जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण वर्तनी 2 एमसीक्यू के साथ। इससे पहले हमने एक वर्तनी एमसीक्यू 1 डाले हैं, ये हमारा संभवतः आज आखिरी क्लास हो जाएगा। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डाले थे वर्तनी का, आज लगभग 50 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। या फिर हमने जो वर्णमाला के या वर्तनी के जो प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो परीक्षाओं में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चन है ना, परीक्षाओं में आए हुए और पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए, लेकिन हम इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे वर्णमाला और वर्तनी के। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब हम आज चलते हैं हमारे क्लास की ओर। तो सबसे आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु शब्द है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध है और वर्णक्रम। देखिए वर्णक्रम से तो कोई लेना देना रहता नहीं है, है ना, हमको वर्तनी देखना है। तो गुरु क्या हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं, है ना, गुरु हम लिखते कैसे हैं? तो गुरु हम लिखते बड़ा गु लिखाते हैं उसमें, है ना, गुरु में देखिए छोटा गु लिखाते हैं, लेकिन जो र की मात्रा है दिख रहा है वो हमें यहाँ पे बड़ी दिख रही है गुरु में, है ना, वो शुद्ध होनी चाहिए थी। ठीक है, वो छोटी होनी चाहिए थी, कई बार बनाने के लिखने की तरीका गलत हो जाता है, इसलिए हमने वर्तनी पढ़ाया है कि लिखते कैसे हैं। तो गुरु इस प्रकार, है ना, क्योंकि ये वाला जो रू है वो बड़ा है और गुरु में छोटा ऊ लगता है, इसलिए ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध चिन्ह है। तो ब्राह्मण, द्वंद, चिन्ह, वर्धमान, इसमें से कौन सा जो है शुद्ध नहीं है अर्थात अशुद्ध है, है ना। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? ब्राह्मण को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, द्वंद भी ऐसा ही लिखते हैं, और जो वर्धमान है ये भी ऐसे ही लिखाता है। जो हमारा चिन्ह है वो हम गलत लिखे हैं कई बार, लेकिन ये मानक रूप से सही भी है। वैसे ऑप्शन में इसको गलत ले लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लगभग 10 साल पहले पूछा गया था। ठीक है, ये 10 साल पहले पूछा गया था। तो ये हो गया हमारा चिन्ह हो गया है, तो इसको लिखते कैसे हैं? इस प्रकार से, ये यहाँ पे ना आएगा, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ये ह और ना का संयुक्त रूप है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था वर्तनी में कि ये ह और ना का संयुक्त रूप है, तो यही हमारा शुद्ध है। लेकिन आजकल यही चलन में है, हो सकता है क्वेश्चन अब ना आए, लेकिन 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उच्चारण की दृष्टि से अशुद्ध है? अनुग्रहित, देखिए सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनुग्रहित हम कई बार देख लीजिए, अनुग्रहित, सामाजिक, मातृभूमि और विलक्षण। तो सामाजिक ना होके वो सामाजिक होना चाहिए, ठीक है, ये सामाजिक ना होके सामाजिक होना चाहिए। तो अनुग्रहित सही है, ये बड़ा रहता है, मातृभूमि सही है, विलक्षण सही है, ये सामाजिक होना चाहिए, है ना, समाज प्लस इक, है ना, समाज प्लस इक होता है ये, समाज प्लस इक होता है ये। हम कब बताएंगे? जब प्रत्यय और प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ेंगे उस समय बताएंगे कि ये सा बड़ा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो वहां से भी आप उच्चारण की कुछ ट्रिक्स जान सकेंगे। तो फिलहाल हमारा उच्चारण कौन सा हो गया कि अशुद्ध कौन सा है? ये सामाजिक अशुद्ध है। उच्चारण तथा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए। चावल, चाउर, है ना, चावल, और इनमें से कोई नहीं, तो हमारे सही है हमारा चावल। ठीक है, हमें चावल ही बोलते हैं, चावल नहीं बोलते, वह की मात्रा नहीं लगानी है, चावल ही होता है, चावल नहीं होता, चावल तो हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जबकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, चावल। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप है चावल, है ना, इसमें अम की मात्रा नहीं लगाना, हमारा आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध उच्चारण वाला शब्द कौन सा है? स्थाई, अस्थाई, स्थाई और ये अस्थाई, ये गलत है, ये भी गलत है, है ना, अस्थाई, एक मिनट, अस्थाई लिखा है ना, तो स्थाई अस्थाई दोनों हो सकता है, एक मिनट, है ना, इसमें देख लेते हैं, ये स्थाई लिखा है, ये स्थाई लिखा है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध उच्चारण बोला गया है, तो ये वाला स्थाई सही है। ठीक है, ये अस्थाई गलत है, यहाँ पे आपका ऐसा आना चाहिए था तब ये सही होता। ठीक है, तो स्थाई ये वाला सही है, ये ई वाला स्थाई नहीं होता। ठीक है, स्थाई ई ये है, देखिए कभी बार ना हमें हमेशा
दिक्कत होता है ई की मात्रा में और ये, क्योंकि तो उसका उच्चारण बहुत सेम सेम टाइप का होने लगता है, ठीक है। और लगभग जो दोनों का उच्चारण स्थान भी लगभग सब सेम है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण शब्द को चिन्हांकित कीजिए, कौशल, सौजन्यता, तात्कालिक और निर्बल। कौशल, सौजन्यता, तात्कालिक और निर्बल में आपको बताना है कि इसमें से त्रुटिपूर्ण मतलब गलत कौन सा है, त्रुटिपूर्ण मतलब इसमें गलत कौन सा है ये बताना है। तो इसमें गलत है हमारा सौजन्यता। सौजन्यता कभी होता नहीं है, ये भाववाचक बनाया गया है, लेकिन सौजन्य है ना, ये सौजन्य जो है अपने आप में भाववाचक है, ता फालतू का जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तात्कालिक सही लिखा है, कौशल भी सही लिखा है, निर्मल भी सही लिखा है। कौन सा शब्द शुद्ध है बता रहे हैं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो होता नहीं है, अधसा आएगा, स्वास्थ्य ये भी नहीं है, स्वास्थ्य होता है ना, स्वास्थ्य होता है, तो ये भी गलत, ये सही होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है, संशोधित, विशेष, वेशभूषा और प्रशंसा, ठीक है। इसमें जो गलत है वो बताना है, तो इसमें गलत है हमारा वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा इसमें गलत है, वेश इसमें गलत लिखा है। वेश के लिए हमको इस प्रकार वेश लिखते हैं हम, ये वाला वेश है ना, और भूषा, तो ये सही होता। संशोधित अपने आप में सही है, हमारा आंसर तो ये हो गया, बाकी सब अपने आप में सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, अक्षोहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी और अक्षौहिणी, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से सही है हमारा अक्षौहिणी, ये वाला शब्द। कुछ कुछ शब्द है जो आपको रटना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। फिर से देखिए उज्ज्वल आ गया, उज्ज्वल और आशीर्वाद आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसमें आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है, ठीक है, इसमें आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो उज्ज्वल को याद रख लीजिएगा, उज्ज्वल आपको हर बार पूछेगा, उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है ये देखिए, आधा ज और ये हुआ ज, कभी भी पूरा नहीं होगा, दो ठो ज आएगा लेकिन दोनों ज पूरा नहीं होगा, दोनों आधा आधा होगा, अब ऐसा उज्ज्वल लिखाएंगे। आशीर्वाद सही लिखा है, नाश्ता भी सही है, उद्धृति भी सही है, तो हमको खोजना था अशुद्ध, ये हमारा अशुद्ध, यही हमारा अशुद्ध है, ये हमारा सही आंसर। कौन सा शब्द शुद्ध है, समस्याएं, अंत्याक्षरी, उपलक्ष, संशोधित। अभी संशोधित ऊपर देखे ना, संशोधित कौन सा सही था, है ना, संशोधित हमने अभी ऊपर देखा है कि संशोधित कौन सा संशोधित सही था उसमें, ठीक है, संशोधित में तो ये वाला शब्द आना चाहिए था, है ना, तो ये हमारा गलत है। उपलक्ष्य आधा ला आना चाहिए था, ये गलत है। समस्याएं, समस्याएं भी गलत है, अंताक्षरी सही है, ठीक है, समस्याएं भी सही है और गलत है, अंताक्षरी सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत बताइए, हिंदू, पूज्य, पुण्य और सिंदूर, ठीक है, इनमें से आपको बताना है अशुद्ध कौन सा, अशुद्ध का मतलब है गलत कौन सा है इनमें, ठीक है, इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें गलत है हमारा पूज्य, पूज्य में बड़ा पू की मात्रा रहती है, इस प्रकार पूज्य, यही गलत है, बाकी हिंदू सही है, सिंदूर सही है और पुण्य सही है। समस्याएं है ना, यहाँ पे हमने पिछला वर्ड देखिए, ये हमने यहाँ लगाया था, यहाँ ना होते यहाँ पे ई की मात्रा होती है, ये इस प्रकार से, है ना, तो आगे चलेंगे इसके बाद। शब्द का सही वर्तनी कौन सा है, परा, परामुखोपेक्षी, परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी और परामुखापेक्षी, ठीक है, ऐसे वर्ड बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसे वर्ड तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी इसका सही आंसर है। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुश्रूषा, दवाइयाँ, तालाब, अतिथि, इसमें आपको जो सही है वो बताना है। मेरे ख्याल से तालाब गलत है, क्योंकि ता में बड़े आ की मात्रा आनी चाहिए, अतिथि में छोटा थी होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत, ये गलत क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा आना चाहिए था, ठीक हो ऐसा रिटर्न लगना चाहिए था। अब इसमें शुद्ध कौन सा है देखिए, तो इसमें है आपका शुद्ध है आपका श्रुषा, ठीक है, दवाइयाँ भी गलत ही लिखा है, दवाइयाँ में यह की मात्रा है, चंद्र बिंदु होता है, तब ये सही होता, श्रुषा सही है। शब्द की सही वर्तनी कौन सी है, कटुक्ति, कटोक्ति, कटुक्ति और कटोक्ति, इसमें सही है हमारा कटुक्ति,
ठीक है, कटु उक्ति ये हमारे संधि से बना है, ठीक है, ये हमारे संधि से बना है। शब्द का सही वर्तनी कौन सा है? फणीश्वर, फणीश्वर, फणीश्वर और फटनीश्वर। इड्डा तो होगा नहीं, है ना, ये गलत बात है, ठीक है। इसमें सही क्या है ये देखिए, फणीश्वर या फणीश्वर या फणीश्वर, फडनवीस तो अड्डा तो आगे आएगा नहीं, है ना, इसमें डा आता नहीं है, इसमें सही हो जाएगा हमारा फणीश्वर, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? कौन सा? श्राप, त्राप, सिराप और श्राप, है ना, तो ये हमारा शुद्ध श्राप ही सही है, बाकी गलत है। सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्क, सौंदर्यवर्धक और सौंदर्यवर्धक। इसमें सही है हमारा सौंदर्यवर्धक, वह तो होता नहीं है, सौंदर्य, हाँ सौंदर्य वर्धक, ठीक है, इसमें आपका द और ध वाला होना चाहिए था, ये गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। इसका शुद्ध रूप है आपका सन्यासी, ये सही है, ठीक है, सन्यासी सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राणायाम, शोषण, विश्वास, संस्करण। शुद्ध बताना है इसमें, तो उसमें हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा संस्कार, संस्कार। प्राणायाम गलत लिखा है क्योंकि इसमें बाकी मात्रा आता, ठीक है। शोषण भी गलत लिखा है, शोषण में इस स के स्थान पर ये वाला शो आना चाहिए था। विश्वास में ये स गलत है, यहाँ पर ये वाला शो आना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हिंदू, दयालु, ईर्ष्या, बीमार, ठीक है। इसमें अशुद्ध है हमारा ये हिंदू भाव, क्योंकि हिंदू में जब भी हम हिंदू लिखते हैं तो द में बड़ा लगाते हैं, ठीक है, यहाँ छोटा लगा है तो यही अशुद्ध हो गया, बाकी दयालु सही है, ईर्ष्या सही है और बीमार सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यथेष्ट, स्वास्थ्य, सम्मान और समीक्षा। अशुद्ध बताना है ना, इसमें अशुद्ध बताना है, तो हमने यथेष्ट का पढ़ा था, यहाँ पे ट की जगह ट होना चाहिए था, तो ये अशुद्ध है, हमारा आंसर यही होगा, बाकी सम्मान ऐसे ही लिखते हैं, स्वास्थ्य ठीक लिखा और समीक्षा भी सही लिखा है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चुनिए, निम्नलिखित में सही वर्तनी को चुनिए। गृहिणी, गृहिणी लिखा है, जबकि गृहिणी होता ही नहीं है, है ना, वो गृहिणी होता है, ठीक है, और गृहिणी भी नहीं होता है, वो गृहिणी होता है, ठीक है, वो गृहिणी होता है, तो गृहिणी कौन सा होगा हमारा? बी, ये वाला गृहिणी, ठीक है, गृहिणी होता है सही। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, निरंजन, निजन, निर्जन और निर्जन, ठीक है। इसमें होगा निरंजन, किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यदि हम हिंदी भाषा के अनुसार देखा जाए तो निरंजन ये सही होता, निर्जन नहीं होता, जैसे निरंजन नहीं होता, निर्जन होता है, ये होगा आंसर। और खाली स्थान दिया है, और अतियुक्ति में भी अंतर बताइए, इस खाली स्थान की जगह अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति, इसमें और अतिशयोक्ति में भी अंतर है, तो किसमें अंतर है, क्या है ये देखेंगे, इसमें इसमें आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अतिशयोक्ति, इस खाली स्थान की जगह आ जाएगा अतिशयोक्ति और अतियुक्ति भी अंतर है, बस इतना है, वो बस ये जानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपका वह व्यवहार अत्यंत ग्रहणीय, गहरणीय, गहरणीय और ग्रहणीय, अब इसमें कौन सा सही होगा ये देखिए, आपका जो व्यवहार है अत्यंत ग्रहण करने योग्य है, तो ग्रहण करने हमने कौन सा वर्ड चुना है, तो ये हो जाएगा हमारा गहनीय। ये हो जाएगा, ठीक है। सर्वत्र चंद्र छिटक हुई थी, सर्वत्र चंद्र छिटक हुई थी, ये हो गया ज्योत्सना, ज्योत्सना याद से देखिएगा, ये कई बार आपको पूछेगा, ज्योत्सना, ज्योत स ना, है ना, आधा स अधत्ता अधना, आधा स और अधत्ता दोनों आएंगे इसमें, अधसा और अधत्ता दोनों आएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद, ठीक है, द्वंद बहुत सारे लिखे, अब उसमें अब बताना है कि द्वंद, हमने तो पिछले बार वाले द्वंद को सही किया था, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हो सकता था, ये द्वंद नहीं होगा, है ना, और
जी डी ही सही है हमारा, सॉरी। अब इस वाले द्वंद, अच्छा द्वंद लिखे ना, तो द्वंद है ये वाला होना चाहिए, दोनों में वाह होना चाहिए, हमने गलत कर दिया, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, मैं दिख नहीं पाया, तो ये सही होगा, ठीक है। ये वाला, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक नहीं है, चर्चा, चर्मोत्कर्ष, चवर्णा, चर्मावरण, चर्मावरण, तो सही कौन सा है ये देखते हैं, तो इसमें बी जो है वो सही है, ठीक है। चर्मोत्कर्ष हमारा सही उत्तर है, सही उत्तर कहने का मतलब इसकी वर्तनी ठीक नहीं है, बाकी की सब ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, अब जो सही है वो बताना है, कमाइनी, कमयानी, कमाइनी, कमयनी, ठीक है। ये एक रचना का नाम है ये, तो ये कमाइनी सही है, कमाइनी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है, तो एकदम, एकलौता और एकाक, एकत्र, एकत्र तो सही लिखा है, जो सही नहीं है वही बताना है, जो सही नहीं लिखा गया है उसी को बताना है, जो सही नहीं लिखा गया कौन सा है वो, तो सी सही नहीं लिखा गया, इकलौता होता है, इकलौता नहीं होता, वो इकलौता होता है, ठीक है ना, वो इकलौता होता है, इस ई की जगह हमको ई लिखना था, तो ये हमारा सही नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम ऐसे ही लिखा जाता है, एकाक को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और एकाक को, एकत्र को भी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही ठीक नहीं है, दैहिक, व्यावसायिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक, ठीक है, इसमें से कौन सी हमारी सही नहीं है ये पूछा गया है, तो इसमें हमारी जो व्यावसायिक सही नहीं है, व्यावसायिक सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे बड़े अ की मात्रा लगता, यह हमें बड़े अ की मात्रा, व्यावसायिक होता है, ठीक है, इसमें क्या इस प्रकार बड़े अ की मात्रा आना चाहिए था जो नहीं आ पाया। शुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मक और आध्यात्मिक, ठीक है, तो शुद्ध शब्द होगा हमारा आध्यात्मिक, ये वाला सही है। अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द का युग्म बताना, शुद्ध शब्द का युग्म बताना है, अभाषक, अभिभाषक, अभिभाषक, और जो सही है वो हमको यहाँ पे चयन करना है, तो हमारा सही हो जाएगा अभिभाषक और अभिभाषिका, मतलब ये आपके लिंग के ऊपर है कि ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, अभिभाषक का होता है अभिभाषिका, ठीक है, अभिभाषक का होता है अभिभाषिका, और मात्राएं देख लीजिएगा, भी में छोटे ई की मात्रा लगी हुई है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रासायनिक, में सही कौन सा होगा, तो सही होगा हमारा रासायनिक, ये सही होगा। पांडवों में केवल अभिमन्यु ही चक्रव्यूह का भेदन जानता था, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, अब चक्रव्यूह लिखते कैसे ये देख लीजिए, चक्रव्यूह, 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 तो ये हमारा सही हो जाएगा, चक्रव्यूह, बाकी में चक्र भी लिखा है, छोटा उ की मात्रा गलत हो गया, ये चक्री तो हो नहीं सकता, चक्र हो नहीं सकता, र की मात्रा पहले आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा चक्रव्यूह। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, विराट, विराट, विराट और विराट, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, क्या में आता है हलंत, तो हलंत इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये गलत, और विराट नहीं होता, ये होता है विराट, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को बताइए, योगीराज, मंत्रिमंडल, नीरस और वीणा, इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत है इसमें हमारा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इसमें गलत है, मंत्रिमंडल में ये जो मंत्री हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, है ना, तो ये छोटा ही आ जाएगा मंत्री में। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चयन करके बताना है, सूची पत्र, सूची पत्र, सूची पत्र और सूची पत्र, इसमें से कौन सा सूची पत्र जो है वो सही होगा, तो ये वाला सूची सही होगा, सूची हम ऐसे ही लिखते हैं, बड़ा सू, बड़ा सू और ची, पत्र तो सही लिखा है सभी जगह, तो यही हमारा आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का फिर चयन करना है, याव तत् जीवन, याव जीवन, यावजिन, यावदजिन, इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें सही है हमारा यावजिन, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आपको कुछ रटना ही पड़ेगा, है ना,
निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही है, निर्जीव 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 और ये निर्जीव, इसमें सही होगा हमारा ये वाला निर्जीव, निर्जीव नहीं होता निर्जीव होगा, ठीक है निर्जीव। फिर आशीर्वाद वाला आ गया, ये आप कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आशीर्वाद वाला, तो आशीर्वाद ये सही है, ठीक है आशीर्वाद आपका ये सही है। अभी तक करते हैं इसी को, निम्नलिखित में से कौन सा सही है अब ये बता दीजिए, सम्यता, रामायण, सौजन्य और सृष्टि। सही तो अभी तक हमने यही पढ़ते आए सौजन्य को, है ना, तो हमारा सौजन्य सही होगा। नीचे आपको शुद्ध बताना है, जीविषा 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 और जीविषा, इसमें से कौन सा जीविषा सही है, तो इनमें से ये वाला जीविषा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लगभग 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना, लगभग 95 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पिछले आने वाले पीछे आए हुए 10 साल के क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसमें और अधिक लाएंगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे कि शुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, लेकिन उनको लाने से पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उनको पढ़ना पड़ेगा उपसर्ग, ठीक है उपसर्ग और प्रत्यय, साथ में संधि भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक संधि और प्रत्यय संधि नहीं पढ़ेंगे हमें कोई शब्द बनता कैसे है, कहाँ पे मात्राएं चेंज होती है, ये हमको पता नहीं चल पाएगा। इस वजह से अभी हमने फिलहाल प्रैक्टिस सेट किया है या फिर एमसीक्यू किया है, प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक को कम से कम कंप्लीट होने के बाद ही अब है ना हम क्वेश्चन हम शुद्ध अशुद्ध वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।